दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कलर फॉल्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। कलर टीवी में एक प्रॉब्लम आता है, कलर पे चार सब कोने में अलग अलग कलर आते हैं, सब पिक्चर का कलर चेंज हो जाता है, फेस कलर वगैरह भी अलग दिखता है। तो इस तरह के फॉल्ट में ज़्यादा करके जो ये प्रॉब्लम आता है, आपको हमने बताया था सबसे पहले कि एक पिक्चर ट्यूब के पीछे एक छोटी सी कॉइल साइड से पूरे ट्यूब के ऊपर एक रिंग जैसी बनी हुई रहती है, उसमें से दो तार पावर सप्लाई में जाती है। वहाँ पर एक पार्ट्स लगा रहता है जिसे पीटीसी कहते हैं। ये पीटीसी का काम कुछ सेकंड के लिए जब टीवी हम चालू करते हैं उसी समय रहता है। ये कॉइल में मैग्नेट तैयार होता है और पिक्चर ट्यूब को डीमैग्नेटाइज किया जाता है और कलर पैच इससे निकलता है। अगर ये प्रॉब्लम आता है आपके टीवी में तो ये 100% फॉल्ट पीटीसी का ही होता है। तो आप पीटीसी को चेंज कर लें। उसके बाद भी कभी कभी क्या होता है, बहुत दिन से कलर ऐसे रहता है तो टीवी चालू करते रहते हैं तो फिक्स हो जाता है, ये निकलता नहीं है। इसके लिए एक डीमैग्नेटाइज कॉइल एक मार्केट में आती है जिसको हम ऑन करके कुछ सेकंड के लिए ट्यूब पिक्चर ट्यूब के ऊपर घुमाते हैं तो निकल जाता है। तो इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं, मैग्नेट घुमा करके बाहर से निकाल सकते हैं। लेकिन ये पीटीसी आपको डालनी होती है। पीटीसी ओपन हो जाने से प्रॉब्लम होता है। पीटीसी का काम ही ऐसा होता है कि जब हम टीवी को ऑन करते हैं तो एक वाइट के थ्रू सर्किट कंप्लीट होता है और पीटीसी हिट होकर ओपन हो जाती है, और उसका काम उतना ही कुछ सेकंड्स के लिए स्टार्टिंग में ही रहता है जब हम टीवी चालू करते हैं। बाद में इसका कोई भी काम नहीं रहता है, फिर वापस हम टीवी बंद करते हैं तो एज इट इज़ कनेक्ट हो जाती है। तो हम पीटीसी को चेंज करके इस फॉल्ट को निकाल सकते हैं। अगर उसके बाद भी पैच नहीं निकलते हैं तो डीमैग्नेटाइज हम बाहर से करते हैं। इसी तरह से टीवी में कभी कभी तीन कलर का फॉल्ट आता है, जो रेड रेड ग्रीन ब्लू, आपको अलग अलग तीन बार्स टाइप में कलर आपको दिखते हैं। तो ये कलर का फॉल्ट, ये पीटीसी का जो फॉल्ट हमने बताया उससे बिल्कुल अलग होता है। ये पिक्चर ट्यूब का फॉल्ट होता है। एक तो टीवी गिरने से प्रॉब्लम आता है, कभी कभी टीवी गिर जाती है और उसका शेडो मास्क जो ट्यूब के अंदर रहता है, इंटरनल है वो ट्यूब ट्यूब के अंदर एक शेडो मास्क रहता है, वो हिल जाने से ये प्रॉब्लम आता है। तीनों कलर अलग अलग दिखने लगते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, पिक्चर ट्यूब भी चेंज करनी पड़ती है इसके लिए। ये प्रॉब्लम ट्यूब पिक्चर टीवी गिरने से होता है, और नहीं तो फिर हाई वोल्टेज वगैरह आने पर कभी कभी ये प्रॉब्लम आता है। तो वो प्रॉब्लम पिक्चर ट्यूब चेंज करके ही सॉल्व किया जा सकता है, उसको उसके लिए कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। कभी कभी पिक्चर ट्यूब निकाल के लोग ठोक के देखते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल काम होता है और नहीं होता है, ज़्यादा करके पिक्चर ट्यूब चेंज ही करनी पड़ती है। तो इस तरह से आप कलर पेज का प्रॉब्लम निकाल सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको अगले वीडियो मिलते रहें। हम ये सीआरटी टीवी के वीडियोस के बाद में आपको एलईडी के बारे में वीडियो डालेंगे। पहले इसके फॉल्ट फाइंडिंग जो प्रैक्टिकल्स है उसको हम आपको दिखाएंगे कि प्रॉब्लम क्या क्या आता है। आपको टीवी भी हम पिक्चर ट्यूब टीवी सब पार्ट्स के बारे में दिखाएंगे, सेक्शंस के बारे में दिखाएंगे, जिससे प्रैक्टिकली आपको मालूम हो सके कि टीवी में कौन सा भाग कहाँ रहता है। उसके बाद में एलईडीज के बारे में बताएंगे कि एलईडी में कौन कौन से सेक्शन रहते हैं, उसको कैसे रिपेयर करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आता है। तो पहले सीआरटी टीवी का कंप्लीट करने के बाद में हम एलईडी के बारे में आपको सब विस्तृत में बताएंगे। धन्यवाद।